स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुसुम नेट क्लासेस में। तो साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पीएचडी एडमिशन 2021 के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन का बटन क्लिक कर लीजिएगा, ताकि अगली बार से कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यदि सब्जेक्ट की बात करें, तब आप यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी है, संस्कृत है, एंशियंट हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, उसके बाद ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, लॉ है, डिफेंस स्टडीज़ है, एंड मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री है, उर्दू है एवं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो इतने सारे सब्जेक्ट में वैकेंसी निकल कर के आई है। यूनिवर्सिटी का नाम है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, कपिलवस्तु में है, उत्तर प्रदेश में है। आगे बात करते हैं, यह एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और इसका आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं www.siddharthuniversity.ac.in पर जाकर। यहाँ पर यदि डेट की बात कर लें, तब आप देख सकते हैं शोध पात्रता आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे ऑनलाइन भरने की जो तिथि है वह है 26 अक्टूबर 2021 से लेकर 15 नवंबर 2021 तक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 15 नवंबर तक कर सकते हैं। और जो आपका एग्ज़ाम होगा या फिर जो आप प्रिंट निकालेंगे, शोध पात्रता परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट से ऑनलाइन प्रिंट करने की अंतिम तिथि है 17 नवंबर तक। 15 नवंबर के बाद किसी भी हाल में आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। शोध पात्रता परीक्षा शुल्क के बारे में यदि बात की जाए, तब सामान्य एवं जो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उन्हें 1500 रुपये देने होंगे और जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें 1000 रुपया पेमेंट करना होगा। यदि सीट की बात कर लें, सब्जेक्ट वाइज यदि सीट की बात की जाए, तब आप देख सकते हैं अंग्रेजी में यहाँ पर 16 सीट है, हिंदी में 40 है जो कि बहुत ज़्यादा सीट है, संस्कृत में देखेंगे तो 42 सीट है, उसके अलावा उर्दू में 6 है, एंशियंट हिस्ट्री में 26 है, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में 10 है, इकोनॉमिक्स में 8 है, सोशियोलॉजी में यदि बात की जाए तब 30 है जो कि बहुत सीट है, पॉलिटिकल साइंस में 8 है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 14 है, 14 है, उसके अलावा कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट में बात करें तो 12 है, उसके बाद एजुकेशन में 38 है और लॉ की यदि बात करें तो 6 है और भूगोल में 10 है यानी ज्योग्राफी में, और केमिस्ट्री में 24 है और फिजिक्स में 12 है, मैथमेटिक्स में 8 है और बॉटनी में यानी कि बोटनी नहीं से जूलॉजी कहेंगे तो जूलॉजी में 20 है, और उसके अलावा यदि बोटनी की बात की जाए तो बोटनी में 7 है और डिफेंस स्टडीज़ में 4 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग सभी सब्जेक्ट में सीटों की भरमार है। तो यदि आपने अब तक एडमिशन नहीं लिया है तो आपको निश्चित तौर पर यहाँ फॉर्म भरना चाहिए। और यहाँ पर आगे देख सकते हैं, यदि एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर रिसर्च की बात की जाए, तब मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए आपके मास्टर डिग्री प्रोग्राम में, और यदि आप अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति से आते हैं या फिर आप विकलांग आवेदक हैं, तब मिनिमम आपको 50% आपके एमए में नंबर होना चाहिए। उसके अलावा जो अभ्यर्थी या जिन लोगों ने यूजीसी सीएसआईआर की जेआरएफ या फिर नेट या फिर इनके समकक्ष इक्विवेलेंट कोई भी आपने फेलोशिप का एग्ज़ाम पास किया है, तब आप लिखित प्रवेश परीक्षा से मुक्त होंगे, और जिन लोगों ने नहीं किया है उन्हें लिखित प्रवेश परीक्षा में बैठना होगा जिसे शोध पात्रता परीक्षा कहते हैं। इसमें 200 नंबर का टेस्ट होने वाला है, 140 नंबर का लिखित परीक्षा होगा और 60 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। शोध पात्रता परीक्षा का आयोजन विश्वविद्यालय कैंपस में ही होगा। और आगे देख सकते हैं, लिखित परीक्षा में पूर्णांक का 50% आपको हासिल करना होगा मिनिमम। एग्जेम्पशन की बात हम लोग कर लिए हैं, एमफिल वाले भी यहाँ पर एग्जेम्प्टेड में काउंट किए जाएंगे। आगे यदि इसमें बात की जाए, तब आप यहाँ पर देख सकते हो रिजर्वेशन की बात की जाए, तब यहाँ पे EWS अनुसूचित जाति, OBC और अनुसूचित जनजाति, इनके लिए सीट रिजर्व्ड होंगे जो स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग। और इसमें आगे यदि और सूचना की बात की जाए, तो कोर्स वर्क का फी यदि आप देखें तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है,
इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन यूनिवर्सिटी लेती है तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी है, कोर्स वर्क की जो फीस है उसके रूप में आपको 20,000 रुपया, और इन्होंने लिखा 20,000 मात्र, देखिए जो कि बहुत ज़्यादा फी है। कोर्स वर्क में इतना फी रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता, मैक्सिमम 2,000 3,000 4,000 रखें। लेकिन न केवल स्टेट यूनिवर्सिटी बल्कि नई नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो लोग भी रखते हैं, कोई 26,000 कोई 23,000, इस तरीके से। तो आजकल तो एडमिशन लेना ही चुनौती हो गया है। तो 20,000 रुपये आपको कोर्स वर्क के लिए लगेगा। यदि आप OBC हैं या अनुसूचित जनजाति हैं या फिर दृष्टि बाधित हैं या विकलांग हैं तब 10,000 आपको लगेगा। 6 महीने का कोर्स वर्क होगा, मिनिमम यह करना ही होगा सभी को। रिसर्च मेथोडोलॉजी, क्वांटिटेटिव मेथड्स, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ये तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़ाई जाती हैं। 75% आपको यहाँ पर अटेंडेंस देना ही होगा, ये सभी जगह पे कर दिया गया है मैंडेटरी। और इसमें आगे बात करें कोर्स वर्क की परीक्षाएं, 50% नंबर लाना होगा तभी आगे जा करके फाइनल रजिस्ट्रेशन जो होता है PhD के लिए वो होगा। तो ये तमाम सारी चीज़ें थी इस यूनिवर्सिटी के बारे में। किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न होगा, कोई सवाल होगा, तब आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।